हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू परीज लाइफस्टाइल। आप सबकी वजह से हमारे 3 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। थैंक यू सो मच। मुझे ये खुशी सेलिब्रेट करने के लिए आइस कैंडी चाहिए। चलो प्रीति और संकेत को बोलते मेरे लिए अच्छी सी आइस कैंडी बनाए। चलो। तो गाइस, देखा आपने, परी एक और आइस कैंडी की डिमांड कर रही है। कहती है बारिश आई और चली भी गई और फिर से गर्मी बढ़ गई, तो मुझे और आइसक्रीम खानी है। तो इसीलिए ना, उसके लिए और आप सबके लिए हम बनाने वाले हैं मैंगो आइस कैंडी और चोको बार, वो भी घर पे, और 5 मिनट में हो जाएगी गाइस। हाँ, मतलब फ्रीज करने में टाइम लगेगा, लेकिन जो चीजें हैं वो आपको आसानी से घर में मिल जाएंगी। तो चलो स्टार्ट करें, है ना अमेजिंग। तो चलो। अरे मैंगो आइस कैंडी का सामान किधर है? अरे हाँ, हो आ गया। तो ये है सामान। तो मैंगो आइस कैंडी बनाने के लिए आपको बस 3 चीजें चाहिए। अगर आपके पास मैंगोज है तो आप हाँ मैंगो का इस्तेमाल कर सकते हो। हमने यहाँ पे माजा का इस्तेमाल किया। अरे माजा ही करेंगे ना, ये तो इजीली मिल जाता है। हाँ, और फिर चाहिए टूथपिक, तो ये भी आपके घर पे आसानी से अवेलेबल होगी। दिखता ही है। और ये है आइस ट्रे, वो तो हर घर के फ्रिज में होता है। हमारा वाला थोड़ा बड़ा है, तो ज्यादा आइस कैंडीज रेडी होने वाली है। तो बस इसमें क्या करना है पता है? बहुत ही सिंपल आइस कैंडी है। माजा खोलो। अच्छा, इसके अंदर माजा डालेंगे? नहीं, इसे पियेंगे हम। मुझे भी देना थोड़ा। आइस कैंडी बनाएंगे। अच्छा, तो इसे हम डालेंगे 1 by 1। ये माजा डाल के तो हो गया, अभी क्या करना है प्रीति? कुछ नहीं, टूथपिक इसके अंदर इस तरह से रखनी है। टूथपिक रखनी है? हाँ, बहुत ही इजी। सबके अंदर? हाँ, तो कैसे खाएंगे कैंडी? इसे ऐसे ही खाएंगे ना। ओ, मतलब ये ऐसा फ्रीज होगा, ये मिनी आइस कैंडीज होंगी। यस। अरे ये तो अब तक की सबसे इजी वाली आइस कैंडी हो गई। तो ये हो गए सारे टूथपिक इसके अंदर डाल के, अभी क्या करना है? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा वेट करना है और इसे फ्रीज करना है। फ्रीजर के अंदर रख दो। हाँ। बस 1 या फिर 1.5 घंटे में ये अच्छी तरह से फ्रीज हो जाएगी और फिर हम खाएंगे मिनी मैंगो आइस कैंडी। वाओ, बहुत ही टेस्टी होने वाला है। चलो फ्रिज में रख के आते हैं। ए, ये ले प्रीति, फ्रीज हो गई ये वाली कैंडी। वाओ, तो चलो हम इसे ट्रे से निकालते हैं। हाँ, पलटी कर पलटी कर पलटी कर। ओ वाओ, ये देखो गाइस, हमारी कैंडी निकल आई। चलो खाते हैं। सेम मैंगो कैंडी, वाओ। इससे इजी कैंडी तो कोई हो भी नहीं सकती गाइस। देखा, ये बस बनाने के लिए आपको 3 ही चीज चाहिए, वो सारी चीजें आपको घर पे आसानी से मिल जाएंगी। गाइस, ये तो बहुत टेस्टी है, आपको ट्राई करना ही चाहिए। एक काम करते, सब हम ही खा लेते, परी को कुछ देते ही नहीं। हाँ, ये तो बहुत टेस्टी है। अरे ये सब ओरियो, ये शक्कर और ये दूध क्यों रखा है यहाँ पे? अरे हम लोग ओरियो चोकोबार बनाने वाले हैं ना। ओरियो से चोकोबार, वो भी घर पे? हाँ। कुछ भी, झूठ बोल रही है तू, कोई नहीं सकता। तो ठीक है, जब मैं चोकोबार बनाऊंगी ना, तो मैं तुझे खाने के लिए नहीं दूंगी। तो सच्ची बनेगा? हाँ बनेगा, देख सच्ची बनेगा। हाँ बाबा, झूठ नहीं बोल रही है ना तू। गाइस, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। चलो देखते हैं, अभी ये बताएगी तभी विश्वास होगा। हाँ, इसे तो मुझ पे विश्वास नहीं है, तो आप लोग भी वैसे ही करना जैसे मैं कहती हूँ। हाँ। तो मैंने लिए है ओरियो बिस्किट, तो यहाँ पे है, मैंने छोटे छोटे पैक्स लिए। अगर आपको बड़ा पैक मिलता है, छोटे छोटे क्यों लिए मैं बताता हूँ, बाहर बड़े वाले मिलते ही नहीं है। हाँ, सच में जो मिलता है उसमें बनाओ। यस, तो तो अभी इसको खोल के इसमें डालना है बिस्किट्स को। हाँ, बस हम 2 पैकेट का पहले बनाएंगे, फिर बाद में। सिर्फ 2 पैकेट? यस। तो थोड़ा और बनाना जरा। क्यों क्यों? तो क्या करेंगे, जैसे हमने बिस्किट लिए है तो इसे हम खोलेंगे और ये जो व्हाइट पार्ट है, क्रीम, जो सबकी फेवरेट होती है, मेरी तो फेवरेट है। एक देना मुझे। तो इस क्रीम को क्या करेंगे पता है? हम इस दूध के अंदर डालेंगे। ये ले, ये बिस्किट को डाल। ये बिस्किट नहीं डालनी है? नहीं, बिस्किट नहीं डालेंगे हम, बस क्रीम डालेंगे। ओके, सिर्फ क्रीम डालनी है गाइस। तो चोकोबार के अंदर जो व्हाइट पार्ट होता है, जैसे व्हाइट आइसक्रीम, तो वो हम बनाएंगे इस क्रीम से। ओ। तो इस क्रीम को इसके अंदर डालेंगे।
अरे सारी क्रीम तो तूने दूध के अंदर डाल दी। हाँ पर ये बिस्किट्स तो अभी ये ऐसे ही बच गए ना बिना क्रीम के, इनका क्या करना है? अरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप चॉकोबार बनाएंगे, तो जैसे मैंने क्रीम इसके अंदर डाल दी है ना, हाँ फिर हम इसके डालेंगे थोड़ी सी शक्कर। अच्छा अगर आपको स्वीट ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा शक्कर। अरे क्यों नहीं पसंद, मुझे तो बहुत पसंद है स्वीट। डाल डाल पूरी डाल। वाओ 3-4 चम्मच तो होगी ना शक्कर। हाँ तो फिर ये क्रीम को ना जो हमने बिस्किट के साथ मिली थी, हाँ? तो उसे हम ऐसे इसमें दूध के अंदर पिघलने देंगे। तो आप इसे ऐसे घुमा सकते हो एक 15-20 मिनट तक, लेकिन इतनी देर तक कौन घुमाएगा। तो आप सिंपल इसे मिक्सर के अंदर या फिर जूसर रहेगा आपके घर में उससे भी आप मिक्स कर सकते हो। आप नहीं, आपने मम्मी को बोलो। हाँ मम्मी को अच्छे से आता है मिक्सर में मिक्स करना। तो चलो तुम्हें आता है मिक्सर में मिक्स करना? नहीं मम्मी को बोलता हूँ। चलो ये लो दूध के साथ क्रीम मिक्स हो गई है, और अभी आगे क्या करना है मुझे बोलो। अभी कुछ नहीं, तो अगर जिनके घर में ना वो जो क्या बोलते हैं आइसक्रीम का मोल्ड है, हाँ हाँ, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर जिनके घर पे नहीं है तो कोई बात नहीं, ग्लास तो हर किसी के घर पे होते हैं। ओहो तो हम बनाएंगे ग्लास में यूनिक चॉकोबार। अच्छा, है ना यूनिक चॉकोबार। अब अभी क्या करना है? अभी कुछ नहीं, बस ये जो दूध है हमें ग्लास के अंदर डालना है। ओके दैट्स इट, थोड़ा सा संभाल के डालेंगे हम इसे। तो ग्लास में डाल के हो गया। अभी तो इसके अंदर हम स्टिक डालेंगे। स्टिक लाया ना तू? मैं भूल गया। देखा मैं भूल गया। एक नंबर का भूला करे और उसे मैं चॉकोबार दे। मेरे पास थी। ओके तो आपके पास स्टिक नहीं है तो डोंट वरी, आप हमारा ना पहले वाला वीडियो देख सकते हो आइस कैंडी वाला। चम्मच यूज किया है कैंडी के लिए, तो नॉर्मल घर का चम्मच डाल दीजिए इसके अंदर। हाँ तो आप देख सकते हो वीडियो, तो इसके अंदर हम डालेंगे स्टिक। मैं दो डाल सकता हूँ? चॉकोबार को दो स्टिक होती है। दो वाला भी मजा आएगा ना खाने के लिए। एक मिनट, ये एक परी के लिए और एक मेरे लिए, 13 ग्लास यहाँ पे है ही नहीं है। तो गाइस तू बाद में रो लेना। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इन दोनों जो ग्लासेस है इसे हम रखेंगे फ्रीजर के अंदर और इसे हम करेंगे फ्रीज। मुझे लगता है 1 घंटे के अंदर, 1 से 1.5 घंटे में ये अच्छे से फ्रीज हो जाएगा। अच्छा तो फिर इसको आइसक्रीम बनाना है? यस, और फिर हम उसके ऊपर डालेंगे ओरियो बिस्किट की, जैसे ये जो ऊपर जो है बिस्किट इसकी कोटिंग, और फिर बनाएंगे इसका ओरियो चॉकोबार। यस तो चलो ये फ्रीज करके लाते हैं। तो आप लोगों को तो पता है कि चॉकोबार में दो पार्ट होते हैं, हाँ। तो एक व्हाइट वाला और एक बहुत ही टेस्टी और यम्मी चॉकलेटी पार्ट। चॉकलेट तो व्हाइट पार्ट तो हमने फ्रिज में रखा है बनने के लिए। ओके। तो अब हम बनाएंगे उसकी आउटर लेयर, मतलब चॉकलेटी पार्ट। वो कैसे बनाएंगे पर? तो यूजुअली वो तो चॉकलेट से बनते हैं, लेकिन हाँ। अभी घर पे इतना सारा चॉकलेट तो होता नहीं है किसी के। बराबर। तो हम क्या करेंगे, जो ओरियो बिस्किट है ना जिसके हमने व्हाइट पार्ट निकाल दिया था, हाँ। तो अब इसे हम डालेंगे इस बाउल के अंदर। अच्छा मतलब इससे तू बनाएगी बाहर वाली चॉकलेट की लेयर? यस। तो इसे हम क्या करेंगे, छोटे छोटे इसे हम क्रश करेंगे एक्चुअली। तो आप इसे हाथ से भी कर सकते हो, तो बेटर है कि मैं बोलूंगी कि आप मिक्सर में ही करो। मिक्सर में वो करो, इंस्टेंट और जल्दी हो जाएगा। और मम्मी को बोलो। ओके ओके तो जाओ आप तुम करो। हाँ लाता हूँ मैं। ये लो हो गया। अरे वाह संकेत, तू तो बहुत अच्छे से काम करना सीख गया। हाँ। अभी इसके बाद क्या? तो हमने बिस्किट को अच्छे से क्रश कर लिया है। यस। तो कुछ नहीं इसके अंदर डालना है, दूध। इतना सिंपल होता है चॉकोबार बनाना। यस। तो इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्स मिक्स मिक्स। ए मेरे पास एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, वो डाल सकते हैं क्या इसके अंदर? नहीं नहीं ना, मैं कुछ नहीं डालूंगी इसके अंदर। ये देखना मेरे पास ये है। हाँ ये डाल सकते हैं। चॉकलेट, वाओ नटेला चॉकलेट। चलो ये भी डालते हैं ना। ओके बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। डालना डालना। ये डालते हैं अभी। वाओ ये गया नटेला। तो ऐसा नहीं कि आपको नटेला डालना ही चाहिए। हाँ ये तो ऑप्शनल है, ये मेरे पास था इसलिए हम डाल रहे हैं। अगर आपके पास डेरी मिल्क है तो आप डेरी मिल्क भी इसके अंदर डाल सकते हैं। ये टुपक। वाओ थोड़ा 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 मुझे टेस्ट करने देना। एक मिनट, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम, और थोड़ा सा और लिक्विड। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है। तो आपको ऑलमोस्ट ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है। देखा? मैं मुझे थोड़ा देना टेस्ट करने के लिए। ये
वाओ सो यम्मी। मेरे पास देखो क्या है गाइस, हमारी आइसक्रीम फ्रीज हो गई है, तो चलो निकालते हैं इसको। ध्यान से आ, ध्यान से नहीं तो और कैसे निकालेंगे। ओ हो 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 वाओ, ऐसे टाइप बहुत टेस्टी है। मुझसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा गाइस। तो गाइस हम क्या करें, ठीक है तो तू ये खा ले, मैं पूरा चोकोबार खाऊंगी। नहीं मुझे चोकोबार चाहिए। ओके तो इसे हम क्या करेंगे, अब इसे ना हम इसके ऊपर डालेंगे ये। ओ वाओ यम्मी। अब ना हम इसके ऊपर इस तरह से चॉकलेट सिरप डालेंगे और इसे रखेंगे हम फ्रीजर के अंदर। तो चलो अभी इसको भी रखते हैं फ्रीजर के अंदर। हाँ। देखते कैसे होता है फिर चोकोबार। संकेत हाँ? मुझे लगता है कि अभी तक तो चोकोबार रेडी हो चुका होगा ना। अरे हाँ चलो देखते हुआ कि नहीं। ये देख आ गया, जादू से आ गया। चलो देखते चोकोबार कैसे हुआ है। हो गाइस ये देखिए, उल्टा करना, उल्टा कर। ओके निकला है। ओ वाओ गाइस, चोकोबार आइसक्रीम। क्या टेस्ट है गाइस। अगर ये आपने घर पे ट्राई नहीं किया तो आपने क्या किया, जल्दी जाओ ट्राई करो और हमें कमेंट में बताओ कैसे हुआ है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान है इसे बनाना। क्या बोलते संकेत? अरे मुझे डिस्टर्ब मत कर, मुझे खाने दे। हमें ये परी के लिए भी रखना है। एक काम करते हैं, उसके लिए बाद में फिर से बाद में बनाएंगे, पर अभी तो मैं ये खाता हूँ। यम्मी। तो गाइस अगर आपको ये मैंगो आइस कैंडी और चोकोबार पसंद आया होगा ना, तो इस वीडियो को क्या करना है आपको, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इसे घर पे जरूर ट्राई करना और हमें कमेंट में जरूर बताना। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय। बाय।